आप लोग ये क्या स्टडी ग्रुप है, तो ये तो कोचिंग होगा नहीं, रीडिंग रूम है केवल? हाँ जी, रीडिंग रूम है। ओके ओके, तो आप लोग किस कोचिंग में पढ़ते हैं? नहीं, हमारी तो होगी ये ALS से की थी मैंने। अच्छा, कंप्लीट हो गया। हाँ जी, ठीक है। हाँ, कब किया था आपने? मैंने भी 1920। हाँ जी। तो आपने पूरा GS का किया था या फिर और भी सब्जेक्ट का ऑप्शनल का भी किया था? नहीं भैया, GS का किया था वहाँ से। अच्छा, GS का किया। और टोटल कितना खर्चा आया था? खर्चा तो भैया 1,37,000 के अराउंड फीस थी उनकी। अच्छा, उस और जो ऑप्शनल का है उसमें आपने अलग से किया था? ऑप्शनल क्या आपका? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। उसका कितना खर्चा आया था? उसका 50,000। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे ORN में ही? फोर लोग। ओके ओके, तो यहाँ पे मंथली टोटल कितना खर्चा जाता है? रूम रेंट कितना है? रूम रेंट 13,000 था मेरा पहले, पर अच्छा रूम, मतलब वही 13-14 सिंगल रूम अगर आप अटैच वॉशरूम के साथ लेते हो तो। ओके ओके, तो अभी टोटल फूड इंक्लूडिंग एंड अदर कॉस्ट टोटल कितना मंथली एक्सपेंडिचर होता है? 22-23। ओके ओके, ऐसा कोई मेजर इशू यहाँ पे रहने में आप लोगों को, सोशली या ऐसा कोई भी एंगल से रहने में, या फूड अच्छा नहीं मिलता ऐसा कुछ भी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैनेज हो जाता है धीरे धीरे। आप कुक भी है, जैसे ऑप्शन कुक का ऑप्शन भी है आपके पास, मेस भी है, कहीं से भी खा सकते हो आप, जहाँ से आप प्रेफर करो। हर तरह की, हर स्टेट की स्पेशलिस्ट भी हैं, जैसे आगे मतलब स्टेट वाइज भी मेस हैं, जैसे कुछ लोग अपनी स्टेट का फूड प्रेफर करते हैं तो वो भी हैं। कुक भी लगा सकते हो आप, कुक भी हर तरह की है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।